से भी आप उठाएंगे, सेंटर से यहाँ पे भी आप बैकवॉर्मिंग करेंगी, बहुत ज्यादा हाई बैकवॉर्मिंग नहीं करनी, बट हमें इतनी करनी कि हमारी जो हेयर्स में जो है वो हाइट अच्छी से आ जाए ना। इस तरीके से आपने थोड़ा टर्न आउट करना है, देन आप इसको एडजस्ट करेंगे। आप बहुत अच्छे से आपने यहाँ बैकवॉर्मिंग करनी है, ठीक है, इस तरीके से आपने बैकवॉर्मिंग करनी है और आपने उसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से हाइट देनी है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ हेयर से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कोई स्टाइलिश सा ब्राइडल हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ईजी टेक्निक के साथ बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने एयर टू एयर पार्टीशन करना है, देन आपने बनानी है पोनी, ठीक है, आपने इस तरीके से यहाँ पे हाई पोनी बनानी है फिनिशिंग के साथ। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अगर फर्स्ट टाइम मेरी चैनल को आप मेरी वीडियो को वॉच करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास आने वाले न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इजीली हेयर स्टाइलिंग सीख सकें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से आपने पोनी बनानी है फिनिशिंग के साथ, देन हम एडजस्ट करेंगे इधर डोनट, ठीक है। मेरे पास मीडियम साइज़ का डोनट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा हाई भी लगाना चाहें तो आपकी चॉइस से आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे डोनट की सेटिंग करनी है और इस तरीके से जो बाल है हमने उसको स्प्रेड करना है पूरे, ठीक है, और उसके ऊपर भी हमने जो है पोनी से इसको फिक्स कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा डोनट भी हाइड हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने फिनिशिंग के साथ डोनट सेटिंग करनी है। जो हमारे पास ये बैक पे हेयर्स हैं, इनको हमने यहाँ पे बनानी है सिंपल छोटी, ठीक है। आपने इस तरीके से छोटी बनानी है, 3 जो बल्ब में हम बनाते हैं आपने वो बनानी है, ठीक है। एंड देन हमने इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि ये वाले हमारे हेयर्स जो थे वो हमने बैक पे ही रख के उसको एडजस्ट करना था। तो आपने इस तरीके से ब्रेड बनाकर आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, देन आप जो है जुड़ा पिन से जो इसको आप एडजस्ट करेंगी, ठीक है। फिनिशिंग के साथ आपने अपनी वर्किंग करनी है इस तरीके से। मेरे पास ये वाली साइज़ की जुड़ा पिन है, इसको मैं इस पोजीशन पे लगाऊंगी, ठीक है, इस पोजीशन पे नहीं लगा रही हूँ मैं, इस पोजीशन पे लगाऊंगी। किस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं, मैं इस तरीके से इसको लेके इसके साथ इसको एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको पिक करना है डोनट को, देन आपने एडजस्ट करना है इस तरीके से, इससे हमारा जो डोनट है अच्छे से फिक्स हो जाएगा। बोथ साइड्स आपने करना है, 4 साइड्स आप इसको इस तरीके से करेंगी, ताकि हमारा जो डोनट है वो बहुत अच्छे से बिल्कुल फिक्स हो जाए, ठीक है। देन आपने फ्रंट पर आना है, मेरे पास ये बिंदिया है, इसको मैं एडजस्ट करूँगी सेंटर में, ठीक है। आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है, ये साइज़ भी थोड़ी छोटी थी तो मैंने ऊपर जो है इसके इनविजिबल लगा लिए, ताकि मैं इजी वे में जो है सेंटर में इसको सेट कर सकूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने एडजस्ट करना है और अब आपने स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग के लिए आपने सबसे पहले तो साइड पार्टीशन करना है, इस तरीके से आपने साइड पार्टीशन करना है, ठीक है। एंड देन आपने जो हमारा सेंटर वाला पार्टीशन था, लाइक हमने जो सेंटर हमने पार्टीशन किया हुआ था उसमें हमने बिंदिया एडजस्ट की थी, बिंदिया को बिल्कुल फिक्स रखने के लिए हम यहाँ पे बैकवॉर्मिंग करेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से। अब आपने फ्रंट वाली साइड से बैकवॉर्मिंग करनी है, ठीक है, इस तरीके से फ्रंट पे आपने हाइट देनी है, ठीक है, इस तरीके से आप हाइट देंगी एंड आपने यहाँ से जो है एडजस्ट फिक्सिंग करनी है बैकवॉर्मिंग की, ठीक है। यहाँ से भी आप उठाएंगी सेंटर से, यहाँ पे भी आप बैकवॉर्मिंग करेंगी, बहुत ज़्यादा हाई बैकवॉर्मिंग नहीं करनी, बट हमें इतनी करनी कि हमारी जो हेयर्स में जो है वो हाइट अच्छी सी आ जाए, ठीक है। अब हमने इसको इस एंगल से भी बैकवॉर्म करना है, फ्रंट वाली साइड पे आके हमने फ्रंट से भी इसको अच्छे से बैकवॉर्म करना है, देन हम इसको लाइट लाइट सी फिनिशिंग दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। लाइट लाइट जो आपने क्रिम्पर किया था उसमें आप लाइट लाइट आयरन कर लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लैट आयरन नहीं करना, इस तरीके से आप लेयर्स लेके मोटी मोटी और इसमें आयरन कर दें फिनिशिंग के साथ, ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। देन अब आपने क्या करना है, स्टाइलिंग हम कैसे करेंगे, बहुत इजी और स्टाइलिश सा ये हेयर स्टाइल है। आपने फोकस करके प्रॉपर फुल वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आप सीख सकें। आपने क्या करना है, फ्रंट वाली साइड पे हम आएंगे, जो हमारे हेयर्स बैकवॉर्मिंग के उठ रहे थे हम उसको फिनिशिंग देंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ से उठाना है सेक्शन को, ठीक है, इस तरीके से हमने सेक्शन को लेना है। इतना आप देख रहे हैं मैंने सेक्शन कितना लिया, इतना हम सेक्शन लेंगे, देन इसको हम इस तरीके से टर्न आउट करेंगे और इसको बहुत इजी वे में यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत इजी ये हेयर स्टाइलिंग है, आपको देखने में बहुत मुश्किल लगेगी, बट ये बहुत ही कोई स्टाइलिश सा और इजी हमारा हेयर स्टाइल है, जो कि हम इजीली बना सकते हैं। आपने अगेन यहाँ से सेक्शन को लेना है, फिनिशिंग के साथ इस तरीके से टर्न आउट करना है, देन आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है और आप देखिएगा ये हमारा बहुत ब्यूटीफुल सा जो है पीकॉक हेयर स्टाइल बनेगा, ठीक है। आपने यहाँ से अगेन सेक्शन लेना है, ठीक है, अगेन आपने इसको इस पोजीशन पे रखना है और आप देख रहे हैं मैं इसकी सेटिंग किस तरीके से लाइन टू लाइन कर रही हूँ, बट इसको वेव भी दे रही हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से सेक्शन को लेना है और अगेन आपने जो फर्स्ट वाला सेक्शन था उसमें से इसको इस तरीके से पिक करके और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसकी क्रिएशन बहुत ब्यूटीफुली हम करते हैं और ये बहुत जो है स्टाइलिश सा हमारा हेयर स्टाइलिंग लगती है, ठीक है। आपने इस तरीके से यहाँ से सेक्शन लेना है, इस तरीके से आपने इसको लेना है सेक्शन को,
देन आपने इसको भी इनर साइड से इसको पिक करना है जो हमने लेयर्स बनाई हैं, और उसको ऐसे ही हमने यहाँ से एडजस्ट करना है, ठीक है। बहुत केयरफुली हमने अपनी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं कितनी जो है केयरफुली जो है मैं इसको बनाती जा रही हूँ, क्योंकि हमें लाइंस की क्रिएशन भी बहुत अच्छी चाहिए और इसकी लुक में भी फिनिशिंग चाहिए। तो आपने जितना आप केयरफुल होकर वर्किंग करेंगे, इसमें लाइंस क्रिएट करेंगे ताकि हमारा ऊपर से भी कोई स्टाइल ना स्ट्रेच हो, क्योंकि स्ट्रेच होने से हमारा स्टाइल ख़राब हो जाता है और वो दोबारा फिनिशिंग लाने के लिए पूरा ही स्टाइल हमें खोलना पड़ता है। तो हम ईजी वर्क अपना करेंगे, आप टेक्निक्स पर फोकस करिएगा। ये बहुत ही कोई स्टाइलिश से हमारा हेयर स्टाइल है जो कि आप ईजिली बना सकती हैं। इस तरीके से आपने सेक्शन को लेना है, इस तरीके से आपने थोड़ा सा टर्न आउट करना है, देन आप इसको एडजस्ट करेंगी बहुत ईजी वे में। ये आप देख रही हैं कि कितना अच्छा सा हमारा जो इसमें पीकॉक हमारा हेयर स्टाइल ये बन रहा है, ठीक है। ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, वेव्स जिसमें जो आ रही होती हैं ये बहुत अच्छी स्टाइलिश लग रही थी। और स्पेशली ये वाला हेयर स्टाइल हमारा जिनके हेयर्स में कलर होता है, हमारे कलर वाले जो हेयर्स होते हैं उनमें ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अगेन आपने यहाँ से सेक्शन को लेना है और बहुत ब्यूटीफुली आपने जो है इसको यहाँ से रखना है इस तरीके से। और आप देख रहे हैं इसकी जो लुक है कितनी ब्यूटीफुल सी हमारी क्रिएट हो रही है। यहाँ से आप सेक्शन लेंगी, यहाँ से आपने सेक्शन को लेना है एंड देन आपने अगेन इसको सेट करना है इस तरीके से, और आपने ये वाले सेक्शन में से इसको निकाल लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक के ऊपर एक ही रखते जाएंगे ना तो जो ये क्रॉस में जो इसका लुक आ रहा है ना वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ के जो है इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि आपने इसकी क्रिएशन कैसे करनी है, मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी सेटिंग कर रही हूँ ये आप फोकस करिएगा, ठीक है। इस तरीके से अगेन आपने सेक्शन को लेना है और यहाँ से पिक करना है फिनिशिंग के साथ एंड देन आपने इसको बैक पे लेकर आके यहाँ पे एडजस्ट करना है। फिनिशिंग के साथ आपने वर्किंग करनी है अपनी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ से अगेन हम सेक्शन को लेंगे, अगेन हमने इस वाली जो लेयर थी इसमें से इसको पिक करते हुए हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसकी जो क्रिएशन है वो कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच किया करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी हेयर स्टाइलिंग कैसी लगती है, और आप मुझे अप्रिशिएट भी किया करें कमेंट करके। यहाँ से आपने सेक्शन को लेना है एंड देन आपने इसको एडजस्ट करना है बहुत फिनिशिंग के साथ, बैक से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ से हम सेक्शन लेंगे और इसको भी हमने इस तरीके से ये वाले पार्टीशन में से इसको इस तरीके से पिक करना है एंड देन हमने इसको एडजस्ट करना है ताकि हमारी लुक जो है वो प्रॉपर क्रिएट होती जाए, ठीक है। ये वाले सेक्शन को भी आपने इस तरीके से यहाँ से पिक करना है, बैक से आपने जो सेक्शन लिया था उसके साथ एडजस्ट करना है। प्रॉपर वीडियो को फुल वॉच करके आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको हाउ नो नहीं होगी उस किसी भी चीज़ की, ठीक है। आपने इस तरीके से सेक्शन को लास्ट वाले को लेना है और इसके साथ इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ब्यूटीफुल सा आया है। ये हमारा यहाँ से लास्ट हमारा जो है लेयर थी वो हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करनी है। ये वाले जो हमारे हेयर्स हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे एक साथ यहाँ पे ये वाली साइड पे लेकर आएंगे, क्योंकि हमें इनका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, हमें जस्ट इसको हाइड करना है, क्योंकि ब्राइड्स का तो आपको पता है वो दुपट्टा आ जाता है इतना तो वो खुद ही हाइड हो जाता है, ठीक है। अब हम फ्रंट पे अदर साइड आएंगे, जो हमारा फ्रंट वाला पार्टीशन है उसको हम यहाँ से इस तरीके से लेयर्स निकालेंगे क्योंकि हमें कर्ल्स भी चाहिए, और जो ये वाला लुक है हम इसमें जो है यहाँ पे हाइट देंगे, ठीक है। आपने इस तरीके से फ्रंट पे सेक्शन को लेकर आना है और बहुत अच्छे से आपने यहाँ बैककॉमिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने बैककॉमिंग करनी है और आपने उसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से हाइट देनी है, ठीक है। ये वाली हाइट आपने देनी है, यहाँ पर आप करेंगी पिंस से इसको फिक्स बहुत ईजी वे में, ठीक है। अगर आपके पास झूमर है तो आप उसकी सेटिंग भी कर सकती हैं, और अगर आपको यहाँ पे स्टाइलिंग कुछ नहीं करनी तो आप इस तरीके से बैकॉम हाई उसको बैकॉम को करके और यहाँ से फिनिशिंग के साथ इसकी लुक दे सकती हैं, ठीक है। ये वाले जो हमारे हेयर्स हैं इनको हम इस तरीके से इसको ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे बैक में हम इसको हेयर पिन की हेल्प से इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये वाले जो हेयर्स हैं इनको हम बहुत अच्छे से कर्ल करेंगे एक साथ, मैं इन सब के लेयर को जो है कर्ल करूँगी बहुत इजी वे में, आपने बहुत अच्छे से कर्ल करने हैं, ठीक है। ये हेयर स्टाइल बहुत स्टाइलिश है जो कि आप ब्राइडल लुक में और स्पेशली आप निकल लुक में भी बना सकती हैं,
और ये स्टाइल बहुत इजी टेक्निक साथ मैंने आपको बताया है, आपको ये देखने में मुश्किल लग रहा होगा बट इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजी वे में ये स्टाइल लुक बना सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो हमारे हेयर्स थे इनको मैंने बहुत अच्छे से कर्ल कर लिया है, स्टाइल हमारा डन हो चुका है। हेयर्स आप लोग देख सकते हैं हमारा ये स्टाइलिश सा हेयर स्टाइल आप देख सकते हैं डन हो चुका है और इसकी लाइन सी क्रिएशन बहुत इजी वे मैंने आप लोग को बताई है। और आप बोथ साइड देख सकते हैं, ये वाली सेटिंग मैंने हाई बैक ऑन करके यहाँ पे फ्लावर सेटिंग की है और फ्रंट पे जो हेयर्स इनको कर्ल्स कर दिए हैं। आज का हेयर स्टाइल मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह के साथ दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।